नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका। आज हम पढ़ेंगे अनुपात और समानुपात, तो बने रहिए अंत तक हमारे इस वीडियो के साथ। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले है अनुपात। अनुपात किसे कहते हैं? पहला क्या है अपना, अनुपात या रेशियो। अनुपात किसे कहते हैं? जब किन्हीं दो या दो से अधिक सहजातीय राशियों की आपस में क्या की जाती है, तुलना की जाती है, कि दो या दो से अधिक सहजातीय राशियां एक दूसरे से किस अनुपात में कितनी गुना बड़ी या कितना गुनी छोटी, उसे क्या कहते हैं अपने अनुपात कहते हैं। अनुपात को इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आपको आपको ये कहा गया अभी दो राशियां हैं ए अनुपात बी, और ये है इनका जो मान है वो है 3:4 का है। तो इससे हम ये समझेंगे भी कि ए का 3 गुना बी के 4 गुना के क्या है, बराबर है। ए का 3 गुना बी के 4 गुना के क्या है, बराबर। जैसे मान लेते हैं भी ए की वैल्यू अगर 100 है और इस अनुपात में हमें बी की वैल्यू निकालनी हो, तो यहां से ए कितना अनुपात है, 3:1, तो इस अनुपात में ए कितना हो गया 300 और बी कितना हो जाएगा 4:1 में तो 400। तो ये है हमारा अनुपात। नेक्स्ट है समानुपात। अगला क्या है अपना समानुपात। ये दो शब्दों से मिलकर बनाए सम और अनुपात। सम का मतलब बराबर, अनुपात आपको बता ही दिया समानुपात। तो समानुपात में ये होगा भी कि जो अनुपातिक जो राशियां होंगी वो क्या होंगी, एक दूसरे के बराबर होंगी। इसको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाया जाता है। जैसे आपको दे रखा है भी ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी। इसका मतलब है भी ए और बी उसी अनुपात में है, उसी समान अनुपात में है जिस अनुपात में कौन है, सी और डी है। यदि ये कहा जाए ए और बी 3:4 हैं, तो सी और डी भी क्या होंगे, 3:4 में होंगे। अगर ए अनुपात बी 3:4 है, तो सी अनुपात डी भी क्या होगा, 3:4 होगा। अगर ऐसा है तो ये समानुपाती है, अगर ऐसा नहीं है तो ये समानुपाती नहीं है। अगर ये इसके बजाय ऐसा लिखा मिल गया कि 3:4 समानुपात 4:3, तो ये समानुपात नहीं है। समानुपात समानुपाती में आपको अगर 3 मान दिए हो और चौथा मान हमें क्या करना हो, ज्ञात करना हो। जैसे आपको 3 वैल्यू दी हो और चौथी वैल्यू ज्ञात करनी हो, तो उसे किस प्रकार ज्ञात करेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं इसको किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। कि जो बाहर वाली राशि है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, जो अंदर वाली राशि है उनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाता है, और ये क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। यहां से क्या होगा, ए बी किसके बराबर होगा, बी सी के बराबर होना चाहिए। यहां से हम अगर आपको 3 राशियां दी हुई है तो चौथी राशि हम आसानी से निकाल सकते हैं। जगह जैसे अगर यहां से ए निकालना हो तो क्या निकल जाएगा, बी सी अपॉन डी। अगर आपको बी निकालना हो तो ए डी अपॉन सी हो जाएगा। अगर आपको सी निकालना है तो ए डी अपॉन बी हो जाएगा। इसी प्रकार आपको डी निकालना है तो बी सी अपॉन ए हो जाएगा। तो अगर आपको 3 राशियां दी हुई है तो चौथी राशि हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अनुपात समानुपात के कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं हम कुछ क्वेश्चन की सहायता से। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है कि 10,000 रुपये को 7:3 के अनुपात में क्या करना है, विभाजित करना है। कि पहला क्वेश्चन क्या कहता है, अभी अनुपात कितना है अपने पास, 7:3 का है। तो 7:3 मतलब अगर जो इसको मान लेते हैं ए है, ए अगर 7 है तो बी कितना है, 3 हमें है। तो टोटल कितना हो गया, अभी सबसे पहले क्या करते हैं इनको जोड़ लेते हैं। 7 + 3 कितना हो गया, 10 यूनिट होगी। उसमें से 7 यूनिट फर्स्ट है, 3 यूनिट कौन है, सेकेंड है। अब अगर इनको विभाजित करना है तो कैसे करेंगे, कि जो आपको कुल जो टोटल जो वैल्यू दी हुई है उसमें से टोटल यूनिट का क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। और जैसे ये सबसे पहले 7 का निकालना है तो 7 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये कितना आ गया अपना 7,000। इसी प्रकार फिर से क्या करेंगे, कुल वैल्यू में यूनिट का डिवाइड करेंगे और जो हमें पूछा है रेशियो उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना आ गया, 3,000। तो 7 10,000 को 7:3 में बांटेंगे तो 7,000 और 3,000 आएगा। क्रॉस चेक करना है तो इनको भिन्न के रूप में लिख के देख लेते हैं। 7,000 बटा में 3,000, 3 0 3 0 क्या कैंसिल, क्या बच गया, 7/3 मतलब 7:3। तो ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है भी ए
अनुपात बी कितना है अपना, 2:3, और बी अनुपात सी कितना है, 2:5 है। तो ए अनुपात बी अनुपात सी तथा ए अनुपात सी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। आपको दे रखा है भी ए अनुपात बी कितना है, 2:3 है, और बी रेशियो 3 कितना है, 2:5 है। अब इनमें देखेंगे कॉमन कौन है, इनको दोनों में कॉमन कौन है, कौन है कॉमन, बी कॉमन है दोनों में। तो अब इनको जो बी का जो अनुपात है उनको अब दोनों इक्वेशन में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे। जैसे इसमें अब बी दोनों बराबर कब होंगे, जब इन दोनों को आपस में क्या करें, गुणा कर लें। यहाँ भी क्या हो जाए 6 हो जाए, यहाँ भी क्या हो जाए 6 हो जाए, तो बी क्या हो जाएगा बराबर। तो इसको 6 करने के लिए किससे गुणा करना पड़ेगा, इस अंक से, यहाँ कितना लिखा हुआ है 2, और नीचे वाले इक्वेशन को ऊपर वाले से। तो ये कितना हो गया, अभी यहाँ से अनुपात में कितना निकल गया अपना 4:6, और यहाँ बी अनुपात से कितना हो गया अपना 4:6:15। तो यहाँ मिल गया हमें ए अनुपात बी मिल गया हमें 4:6, बी अनुपात सी मिल गया 6:15। तो बी का अनुपात क्या हो गया यहाँ पर, बराबर हो गया। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं अभी, ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, 4:6:15। ये तो हो गया ए अनुपात बी अनुपात सी का। अब पूछा ए और सी का अनुपात, तो यहाँ से ए और सी का अनुपात भी निकल जाएगा, ए सी का अनुपात आ गया 4:15। आगे कट हो नहीं रहे, अगर होते तो इनको आगे अहबाजी मुंडन कर सकते थे इनके। तो ये हो गया अपना सेकंड क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भी, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है 6:5 है, उनकी आयु का योग कितना है, 55 वर्ष है। तो दोनों की अलग अलग आयु हमें ज्ञात करनी है, कि ए अनुपात बी जो उनकी आयु का अनुपात है वो है अपना 6:5, 6:5 है। और जो टोटल है ए और बी का, जो टोटल एज है वो कितनी है, 55 ईयर्स, 55 वर्ष। तो हम मान लेते हैं भी जो अनुपात है उसको मान लेते हैं भी, ए की एज तो है 6x, माना ए की आयु कितनी है 6x, तो बी की आयु कितनी हो जाएगी, अनुपात तो सेम रहेगा तो कितनी हो जाएगी 5x। तो यहाँ से ए प्लस बी की आयु निकल सकती है, कितनी होगी 6+5 11x। क्वेश्चन में दिया है भी ए और बी की आयु कितनी है, 55 वर्ष। तो हाँ यहाँ से लिख सकते हैं भी 11x = 55। तो यहाँ से x कितना आ गया, कट करेंगे कितना आ गया 5, x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई। तो यहाँ से हम इस इक्वेशन में और इस इक्वेशन में x की वैल्यू रख देंगे, तो ए की आयु कितनी आ जाएगी, 6x था तो 6 × 5 = 30। इसी प्रकार जो बी की आयु होगी उसमें भी अपने वैल्यू रख देते हैं, 5 × 5 कितना आ गया 25, दोनों को एड टोटल करें कितना आ गया 55 वर्ष। तो ये होगी ए और बी की आयु। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कहता है भी, 50 लीटर दूध से भरे बर्तन में 10 लीटर दूध निकालकर उसकी जगह पानी डाल दिया गया, एक बार फिर से ही प्रक्रिया की गई, फिर से 10 लीटर दूध जो मिश्रण था उसको निकाला, उसमें क्या डाल दिया, पानी। उसके बाद बर्तन में दूध और पानी का अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है भी, जो टोटल वॉल्यूम थी सबसे पहले वो कितनी है अपनी 50 लीटर, और ये पूरा का पूरा क्या था, दूध था। अब इसमें क्या किया हमने, इस बर्तन में से हमने 10 लीटर दूध क्या कर लिया, निकाल लिया, कितना दूध बचा 40 लीटर। इसमें क्या डाल दिया, 10 लीटर पानी। तो अनुपात कितना हो गया, अभी जो दूध का अनुपात है पानी के साथ वो कितना आ गया अपना, 40:10, या क्या लिखेंगे इसको, 4:1। कि जो एक बार ये प्रक्रिया करने के बाद दूध का अनुपात 4:1 में है, पानी का अनुपात 1:1 में। अब फिर से एक दोबारा क्या किया जा रहा है, मिश्रण में से विलयन निकाला जा रहा है, लेकिन अब की बार सिर्फ दूध निकलेगा, उसके बाद क्या निकलेगा, पानी भी निकलेगा। अब फिर से क्या निकालेंगे, इसमें से 10 लीटर निकालेंगे, तो अब की बार टोटल जो रेशियो है वो किस में आएगा, 4:1 अब में। पुनः हम क्या कर रहे हैं, 10 लीटर मिश्रण निकाल रहे हैं, तो 10 लीटर जो मिश्रण निकाला है उसमें वॉल्यूम किस अनुपात में आएगी, 4:5 में। तो कुल यूनिट कितनी होगी 5। तो दूध निकालना है, दूध निकाल लेते हैं कितना निकलेगा, तो यहाँ से कट करेंगे कितना आ गया 2, तो 8 यूनिट क्या आ गया, यहाँ से 8 लीटर क्या निकल गया, दूध निकल गया। फिर से
अब जो सेकंड मिश्रण था अपने पास, उसमें 40 लीटर दूध था, उसमें से 1 लीटर और माइनस हो गया, कितना बचा? 32 लीटर बच गया। 32 लीटर दूध बच गया अपना, 32 लीटर। तो यहाँ मिल वो वाटर है, पानी कितना बचेगा? 18 लीटर पानी बच गया। अब ये हमें निकालना है इनका अनुपात कितना है। अब जो नया अनुपात है कितना आ गया? 32:18। अब जो कट हो रहे कट कर लेते हैं, किससे कट हो रहे हैं? 2 से हो रहे हैं, 16:9। कि मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है? 16:9 का है। अनुपात समानुपात के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, और क्वेश्चनों के साथ हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।